न्यूज DNN देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज रामनवमी का शुभ दिन है। रामनवमी यानी कि भगवान राम का जन्मदिन। जब हम भगवान राम को याद करते हैं तो हमारे मन में आते हैं अयोध्या, राम राज्य, भाईचारा, प्रेम, सद्भावना। मगर आज हम भगवान राम को याद करने के साथ साथ याद करेंगे उनकी दी गई कुछ ऐसी सीख जो सभी के लिए बहुत जानना महत्वपूर्ण है और समझना भी महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं दिवांशु से भगवान राम की दी गई कुछ ऐसी सीखों के बारे में जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। जय श्री राम। तो सबसे पहले तो आपको और हमारे दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामनवमी हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने में 9वें दिन को मनाई जाती है। तो अगर हम सबसे बेसिक बात से शुरू करें कि भगवान श्री राम का जन्म अधर्म को हटाने में और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। भगवान श्री राम का जन्म धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था। तो विष्णु जी के सातवें अवतार भी थे भगवान राम। और जी हाँ, मतलब बेसिक यही है कि उनका जन्म जो है धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, क्योंकि धर्म बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था उस त्रेता युग में, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। तो राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से क्यों जाना जाता है? तो बात यह है कि जितना भी रामायण में राम जी के बारे में लिखा है, जितना भी हम सब ने पढ़ा है, तो उसमें यही लिखा है कि अगर वो कोई भी कार्य करते थे, कोई भी न्याय करते थे, तो वो एक पूरा धर्म के माध्यम से करते थे, सत्य के मार्ग पर हमेशा चलते थे। वो झूठ का उन्होंने थोड़ा सा भी पालन नहीं किया था। तो एक महाराजा के रूप में राम जी का चरित्र कैसा था? तो महाराजा जी के रूप में भगवान श्री राम का चरित्र बहुत ही नरम था, नरम दिल। वो अपनी प्रजा का ख्याल बहुत अच्छे से रखते थे। और जैसा कि आप सभी ने रामायण का वो सीरियल भी देखा होगा, तो उसमें जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे होते हैं लक्ष्मण जी और सीता मैया के साथ, तो सारी प्रजा रो रही होती है पीछे कि मत जाओ, यहाँ रुको, पर होनी को कौन टाल सकता, उनको जाना पड़ा। तो पूरी रामायण से और राम जी की जो पूरी जर्नी रही अयोध्या से वनवास और लंका तक, फिर सीता को लेके आए, तो इस पूरी जर्नी में हमें राम जी से क्या सीखने को मिलता है जो हम आज के युग में अपना सकते हैं, जो हमें बातें समझनी चाहिए, जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है? तो सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का आंसर दूंगा टच करते हुए, पहले मैं कोई एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल में आपको आंसर मिल जाएगा इस बात का। अगर हम कंपैरिजन करें भगवान श्री राम में और रावण के बीच, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा पंडित कौन? रावण। राम जी के मुकाबले रावण सबसे बड़ा पंडित, कि भाई अपने शीशों को काट कर, सर को काट कर उन्होंने शंकर भगवान को पूजा। तो अमीर कौन? भगवान रावण अमीर भगवान राम से। तो पावरफुल कौन, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? रावण। क्यों? क्योंकि नवग्रह पर पूरा कब्जा उसका, मुट्ठी में रखा है नवग्रह, कुछ नहीं कर सकते उसकी इजाज़त के बिना। काल को अपने द्वार के बाहर बांध कर रखा हुआ है कि उसकी मृत्यु तो छोड़ो, उसके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती उसकी इजाज़त के बिना, इतना पावरफुल। पर तब भी भगवान श्री राम की एक चीज़ के कारण रावण की इतनी सारी चीज़ें इतनी सी दिखने लगी, वो चीज़ थी चरित्र। कि भगवान श्री राम का चरित्र इतना अच्छा था स्त्रियों को लेकर, कि जब रामायण का युद्ध खत्म हुआ, तो जब रावण की पत्नी मंदोदरी आई, तो देखा कि भगवान राम उनकी छाया की तरफ भी नहीं देख रहे, उनकी पल के नीचे हैं, कि उनकी पत्नी सीता है तो वो किसी और स्त्री की तरफ नहीं देखेंगे आंख उठा के, इतना बड़ा चरित्र था उनका। तो रामनवमी के दिन का महत्व आखिर है क्या? तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमें कैसे कार्य करने चाहिए इस दिन, तो माना जाता है कि अगर हम सबसे पहले और अगर हम दिन में उठें तो स्नान करने के बाद हमें पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए और भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। अगर हम भगवान श्री राम की पूजा अपने जीवन में करते हैं, तो हमें अपने जीवन में, हमें अपनी लाइफ में सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। तो एक तो ये रीज़न जैसे आपके क्वेश्चन का। और अगर हम बात करें कि और हमें क्या क्या मिलता है अपने जीवन में, तो हमें मानवता आती है, कि जैसे ह्यूमैनिटी बोलते हैं, कि
हमें कैसा बिहेव करना चाहिए अपने जीवन में, लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। और सबसे मेन बात हमें सीखने को मिलती है, हमें आशीर्वाद मिलता है चरित्रता का, कैरेक्टर कि हमारा कैरेक्टर दूसरों के प्रति, स्त्रियों के प्रति कैसा रहना चाहिए। और भगवान राम की पूजा करने से हमारे जीवन में, जैसे मैंने आपको बताया कि सुख समृद्धि बनी रहती है और हमें अंदर से निम्रता फील होती है कि जी हाँ, कि अगर हम पूजा कर रहे हैं भगवान राम की तो हम अंदर से विनम्र हो रहे हैं। लोगों से बात करने में ये पता चलता है कि हमारी वाणी में विनम्रता है। तो जी हाँ, यही सारे रीज़न है, रीजन्स तो बहुत है, मतलब ऐसे कोई बताने लायक तो घंटे बैठे देंगे, मेन हाइलाइट्स यही है। जी शुक्रिया, हमें आपने अपना समय दिया और हमसे बातचीत की। तो आज हमने जाना रामनवमी के महत्व के बारे में और हमने जाना कि किस तरह हम राम जी को याद करके अपना जीवन और सुंदर बना सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।